ये दूसरा एक मसला है, बहुत अहम मसला है, वो मौजू से हटके है, वो मैं खड़े होकर बताऊंगा ताकि आप लोग जरा शौक से सुने, ठीक है ना, शौक से सुने। वो मसला ये है कि आजकल जादू टोनों का रिवाज बहुत बढ़ गया है, आपने देखा होगा, आमिलों का भी बहुत बढ़ गया है रिवाज, दम दुरूद करते हैं, फूके मुंह के लगा रहे हैं, किसी के धड़ियों में दर्द हो रहा है, किसी के टखनों में दर्द हो रहा है। मेरे पास कल फोन आया किसी साहब का, तबलीग में निकले हुए 4 महीने के लिए, उनके साथ दारुल उलूम कोरंगी के भी 2-3 उलमा है, दारुल उलूम कोरंगी जो हमारा अपना इदारा है और बिल्कुल भरक इदारा है, वो दारुल उलूम कोरंगी के 2-3 उलमा दम दुरूद भी करते हैं। दम दुरूद से मेरी मुराद आमिल हैं, एक तो वैसे ही किसी पे दम करना वो तो जायज है, एक है बाकायदा प्रोफेशनल आमिल जिसे कहते हैं ना, चुड़ैल ले आना किसी पे, चुड़ैल वापस ले जाना किसी पे, जिन भूत ले आना किसी पे वापस ले जाना, इस किस्म की एक्टिविटीज में भी वो मुब्तला है। तो मैंने आपको बताया सारे फ्रॉडी होते हैं, 2 नंबर होते हैं, चाहे दारुलूम से हो, चाहे जामियत रशीद से, मेरे अपने इदारे से ही क्यों ना ताल्लुक, चाहे मेरा ही खलीफा क्यों ना हो, सही है ना। तो इस बारे में मेरी राय तो सबके सामने है। तो फोन आया, वो साहब कह रहे थे पिशावर के पठान है, कह रहे हैं कि इनने हम पे दम कर करके हमारी हड्डियों में दर्द कर दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं अमलियात, हम सबकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, हम बड़े परेशान हैं, और वो फला फला फिरके से उनका ताल्लुक है। तो ये बहुत से लोगों को वास्ता पड़ता रहता है आमिलों से ना, जादू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कहने लगे आप हमें कुछ बता दें, कोई पढ़ने के लिए कुछ, ताकि ये हड्डियों में दर्द ना हो। मैंने कहा मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंशाल्लाह आपकी क्यामत तक कभी हड्डियों के अलावा हर चीज में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा वो आप लोग को भी बता दूं, मेरे इंटरनेट में पूरी दुनिया के सामने चली ये बात कि आमिल जब फूक लगा रहे हैं, आप उसकी फूक से डर रहे हैं, तो आपको वैसे ही डूब के मर जाना चाहिए, उसके पास फूक है और आपके पास अल्लाह ने क्या दिया है, मुक्का, और वो भी पिशावर का मुक्का, वो पिशावर के थे ना, तो बताओ पिशावर के मुक्के में ज्यादा ताकत है या कराची की फूक में? एक तो कराची के मुक्के को पिशावर के मुक्के से कंपेयर करें, फिर फूकों को आपस में कंपेयर करें, फिर फूक बमुकाबला मुक्का, और फिर फूक भी कराची की और मुक्का कहां का, पिशावर। मैंने कहा आइंदा जब दम करे तो उल्टे हाथ से गरेबान पकड़े और सीधे हाथ से रख के एक नाक पे जोरदार किस्म का मुक्का रसीद करें उसके। कह रहे हो हजरत वो आलिम है, मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसा आलिम, ठीक है हजरत वो इतनी बड़ी दाढ़ी, मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसी दाढ़ी, ये फ्रॉडी लोग होते हैं। तो कभी आमिल आए ना झाड़ फूंक यूं करे, उठा के कस कस के रसीद करें, ये नफ्सियाती असरात होते हैं, जब वो दम कर रहे हैं आप नफ्सियाती तौर पर उसका असर कबूल करते हैं तभी आपकी हड्डियों में दर्द, आप कबूल ना करें उसका असर। मैं अपना वाकया बताऊं कि एक दफा किसी गांव देहात में हमारा जाना हुआ, वहां मजार था ख्वाजा गलतान रहमतुल्लाह अलैह, पता नहीं कोई बुजुर्ग गुजरे होंगे, हमें नहीं बता पा रहा, मजार है जी ख्वाजा गलतान रहमतुल्लाह अलैह का, हम किसी काम से गए थे, मजारों पर हम जाते नहीं है, हमें बताया गया कि इन ख्वाजा गलतान रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बड़ी करामत है। अच्छा भाई जिसको देर हो रही है तो वो जा सकता है क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, तो ऐसा ना फिर मुझे कहीं इन्होंने बिठा के रखा हुआ है, जो बात दिलचस्पी सुनने बैठ जाए वरना जुम्मे की नमाज तो खत्म हो गई है ना, जो जाना चाहे जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो नाम बताया गया ख्वाजा गलतान रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि गलतान गलत से निकला है, गलतान का मतलब गलतियां करने वाले, पता नहीं क्या नाम होगा भारत। कहा कि ये बुजुर्ग इतने नेक थे, इतनी करामत है कि इनकी कब्र के करीब अगर कोई लेट जाए तो ये बुजुर्ग अंदर से उसको धक्का देते हैं और वो लुढ़कता हुआ कलाबाजियां खाता हुआ दीवार से जाके, कब्रिस्तान की आखिरी दीवार से जाके लगता है। हमने कहा भाई अजीब किस्म के बुजुर्ग हैं भाई, हमने तो आज तक किस किस्म का बुजुर्ग किसी को जिंदगी में धक्का देता हुआ नहीं देखा, तो कब्र के अंदर से बाहर। तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल कोई मिसाल सामने आए, तो उसमें 2-3 मोटे मोटे पठान थे, वो भी लेटे, थोड़ी देर में हमने देखा वाकई गैबी ताकत आई है और धक्का देते हुए कलाबाजियां खाते हुए धाड़ से दीवार पे जाके लगे, बिल्कुल आंखों देखा, और लग रहा था कि ये बुनावट नहीं कर रहे, बाकायदा कोई ताकत है जो इनको घुमा के वहां तक लेके जा रही। दूसरे आए जी, वो भी लेटे कलाबाजियां खाते हुए धाड़ करके लगे, तो वो फिर उठ के कहने लगे देखा मौली साहब आप यकीन नहीं करते थे ना, आप लोग बुजुर्गों की करामतों को नहीं मानते ना, देख लिया। हमने कहा अब भी नहीं मानते हम ये वाली करामतें, वैसे मानते हैं लेकिन ये इस किस्म की टेक्निकल करामतों को हम नहीं मानते, और ये मुमकिन नहीं है कब्र के अंदर से कोई किसी को धक्का दे दे। हमें पता था ये शैतानी जिन्नात ऐसी जगह होते हैं, जब वो देखते हैं कि इसका अकीदा खराब है तो जिन एक थोड़ा सा पुश करके चला जाएगा, उसमें क्या जा रहा है उसका, कहेगा ये मुशरिक बन जाए तो, और अगर किसी को जिनको किसी को यकीन हो कि ये नहीं हिलने वाला अपनी जगह से,
फिर जिन्नात वहां टाइम जाया नहीं करते, फिर जो हिलने वाले उन पे जाके उनको हिलाते हैं। तो हमारे साथ एक मौलवी साहब थे, इतना छोटा कद उनका, सबसे हल्के। हमने उनको इसलिए पेश किया कि कोई ये ना कहे कि वजन की वजह से नहीं हिल रहे हैं, ठीक है ना। उनको जब लेटाया, वो चूंकि अकीदा उनका सही था, ईमान मजबूत था, तो वो लेट गए। अब काफी देर हो गई, कोई लुड़की नहीं लग रही, कलाबाजी नहीं हो रही। अब ये जो पठान भाई खड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, सूरह फातिहा पढ़ो। इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ ली, कुल वल्लाह, चारों कुल, पूरी तरावियां का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, ऐसा लग रहा था पूरी तरावियां खत्म हो जाएंगी यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, अपनी आंखों पे हाथ रख के तसव्वुर करो, मैं थोड़ा सा घूम रहा हूं। वो कह रहे मैंने तसव्वुर भी कर लिया, नहीं घूमे। मैं आया, मैं लेटा, अब तो मैं थोड़ा वजन हो गया, पहले मेरा बहुत ही हल्का फुल्का था मैं, तो मैं लेटा, मुझे भी कुछ नहीं हो रहा, मैं पढ़ भी रहा हूं आयतल कुर्सी भी, सारी चीजें दम दुरूद पढ़ ली हमने, और थोड़ा सा एक दो कलाबाजी मैंने खुद भी खाई कि थोड़ा सा खुद भी तो करो ना, सारे काम बुजुर्गों पे क्यों डाल रहे हो भाई, खुद भी तो थोड़ा सा हिलो। तो फिर भी नहीं हिल रहे। तो हम जब उठे तो वो कहने लगे तुम लोग का अकीदा सही नहीं है। हमने कहा अब आप जरा ट्राई करके देखें, अब आप लेटे, हमें पता था अब ये भी नहीं हिलेंगे, अब लेटे तो वो भी नहीं हिल रहे। वो असल में जिन्नात भाग गए थे वहां से, उन्होंने देखा ये तो दाल गली नहीं, पतली गली से निकलो यहां से। तो जिन्नात इतनी जल्दी रफू चक्कर होते हैं, समझ आ रही है बात, आपका मुक्का मजबूत होना चाहिए। तो जब ये आमिल, कोई भी आमिल हो, चाहे नेक हो परहेजगार हो, जब ये बैठ के फूके शूके लगा रहा हो ना, इसको उल्टे हाथ से पकड़ें और रख के इसकी नाक पे जोरदार मुक्का रसीद करें, क़यामत तक आप पर उसका असर, उसके दम दुरूद और फूंकों का असर नहीं होगा, ये मेरी तरफ से गारंटी। लेकिन अगर आपने डरना शुरू कर दिया, हाय ये पता नहीं कहीं इधर ना फूंक लगा दे, बहरा ना जाऊं, कहीं अंधा ना हो जाऊं, फिर आप निकाल के उसको हदिये भी देंगे, पैसे भी देंगे, यार ये बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, बस गए काम से। बुजुर्गों का काम इस किस्म की हरकतें नहीं होता, बुजुर्गों का काम होता है दीन की दावत, लोगों को अल्लाह से मिलाना, और कब्र में बैठ के धक्के लगाना बुजुर्गों का काम नहीं होता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो ये पल्ले बांध ले अपने। देखो ये आमिल लोगों के यहां जब पुलिस छापा मारती है, तो कभी आमिल ने कहा एसएचओ साहब ठहर, मैं तेरे ऊपर फूंक मारता हूं, है भाई, कभी मारी? हालांकि वो दूसरों को पता नहीं क्या क्या दिखा रहा होता है, मटके तोड़ के दिखाता है, सुइयां निकल रही है, सब नजर के धोखे होते हैं, ये नजर के धोखे होते हैं, मटका तोड़ दिया, सुई निकल रही है, अंडों से सुइयां, ये सब नजर के धोखे हैं, मिसमेरिज्म किया जाता है। तो लेकिन जब पुलिस पहुंचती है, तो आमिल के पास तो जिन्नात है, वो पुलिस पे दो चार जिन्नात छोड़ दे, जिन जिनका तो साशा भी काफी है, जिन इतना ताकतवर होता है कि उसके दो तीन साशे छोड़ दिए जाए ना जिन्नात के, वो भी एसएचओ को उठा के पहाड़ में फेंक दें। लेकिन पुलिस वाला डरता, कहेगा जैसे ही आएगा ये सारे आमिल बोरिया बिस्तर गोल करके भाग जाते हैं वहां से अपने चुड़ैलों और जिन्नात समेत, इसलिए कि पुलिस जाती है पकड़ने के लिए। उसको ये नहीं है कि वहां जाके पुलिस ये नहीं कह सकती है अपने डीएसपी से, सर हम गए थे मगर उसने फूंक मार दी, इस वजह से हम वापस आ गए हैं, पता है भाई अब वर्दी उतर जाएगी। उसको पकड़ के लाना है, तो उसका नफ्सियाती असर पड़ता है आमिल पर, उसको पता है मेरा दम दुरूद यहां पे असर नहीं करेगा। पुलिस वाला उठाता है उसको, उठाया जीप में फेंका, चलवा जेल में बंद है अंदर। अब वो आमिल बुलाए जिन्नात को जो जेल से निकाल के जाए उसको, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और ये इस तरह के, तो वो मैंने उनसे कहा, वो पिशावर वाले भाई थे, मैंने उनसे कहा कि इनको छप्पड़ में ले जाए, ठीक है। उन्होंने कहा हमने मरकज से रابطہ किया है, तो बुजुर्गों ने कहा है कि अल्लाह से मांगो। अब मरकज वाले तो इसलिए कहेंगे, वो तो नहीं चाहते ना कि जमात में फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो। मैंने कहा वो बुजुर्ग हमारी सर आंखों पर, हम उनके खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन मशवरे की बात यह है, बुजुर्गों ने जो कहा वो अपनी जगह सही कहा, लेकिन देखो ये पूरी जमात को बर्बाद कर देंगे, चार महीने की निकली हुई है, ये सब बर्बाद हो जाएगी जमात, तो छप्पड़ में ले जाओ और उल्टा लटका के तबीयत साफ कर दो। कत्ल की इजाजत नहीं है, याद रखो, कत्ल वतल की इजाजत नहीं है, हाथ पांव तोड़ने की भी इजाजत नहीं है, कहीं किसी के हाथ पांव टूटे हुए और मेरे आपने तोड़वाया, ना कत्ल की इजाजत है, ना हाथ पांव तोड़ने की इजाजत है, ना माजूर करने की इजाजत। तो लटका के तबीयत हरी हो जाए, पता चल जाए कि आपका ताल्लुक पेशावर से है, समझ आ रही हो? तो मैंने कहा इंशाल्लाह उसके बाद ये कभी किसी पे फूंके नहीं लगाएंगे। तो वो बड़े खुश हुए, पिशावर वाले थे, ठीक है ना, उनके मतलब की बात की मैंने समझ में आ गई, उनको फिर सही हो गया, फल साफ नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब तक उम्मीद है कि तबीयत हरी, क्योंकि ये कल सुबह की बात है, अब तक उम्मीद है तबीयत हरी हो चुकी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वअला आलिही वसहबिही अजमईन।